बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड में यदि आपको किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन से लेकर कोई परेशानी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूं। यदि आपके पास अकाउंट डिटेल के अलावा डेबिट कार्ड नहीं है तो भी आप एक्टिवेशन की के थ्रू कैसे उसमें लॉग इन कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने ऐप में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका स्टेप टू स्टेप पूरी आपको बताई गई है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपके मोबाइल में पहले से था तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद में आपको लैंग्वेज मिलेगी। भारत में जितनी लैंग्वेज बोली जाती है वो सारी लैंग्वेज आपको मिलेगी। यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है। आप जो लैंग्वेज में कम्फर्टेबल रहो उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करें। आपको ऐसा यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगली स्क्रीन आएगी ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट। यदि आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करें, लेकिन हम इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक करें। उसके बाद में ऐप परमिशन, आपको फ़ोन SMS लोकेशन की परमिशन देनी होगी। ओके पे क्लिक करें। अब आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको सेलेक्ट कर लें। आपके मोबाइल में दो सिम लगती होगी। जिस सिम से आप मैसेज भेज रहे हो यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें एक SMS पैक होना चाहिए यानी उसमें रिचार्ज होना चाहिए। यदि आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो आप आगे नहीं जा पाओगे। यही काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें आपको एक SMS भेजना होता है। आपको 1 रुपया या 1.5 रुपया चार्ज लगता है। यदि वो चार्ज जब तक आप नहीं दोगे तब तक ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। यदि आपके मोबाइल में रिचार्ज कराया हुआ है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। सिम सेलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। कंफर्म करें। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 6-डिजिट OTP आएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। अब आपके सामने आपका डेबिट कार्ड, आपका अकाउंट नंबर, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, प्रोसीड पे क्लिक कर दें। अब यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास डेबिट कार्ड है। वो डेबिट कार्ड जिसका एक्टिव डेबिट कार्ड है, ATM का पिन भी आपको याद होना चाहिए, वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यदि आपके सारी डिटेल आपके पास है तो आप आगे प्रोसीड क्लिक कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और ये खास तौर ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, अल्टरनेट चैनल्स टू रजिस्टर। यदि आपके पास ये डिटेल नहीं है यानी आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है अभी, या आपके पास डेबिट कार्ड था लेकिन आपने ब्लॉक कर दिया, तो आपको क्या करना है? तो अल्टरनेट चैनल टू रजिस्टर पर क्लिक करें। आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा ATM। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो। अब जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहला ही पहला लिंक मिलेगा, आपको वो वीडियो देख लीजिए। मैंने बता रखा है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक्टिवेशन की कैसे एक्टिव कर सकते हो, तो आप वो प्रोसेस देख लीजिए। आपको 4-डिजिट एक्टिवेशन की मिल जाएगी। यदि आप ये नहीं करना चाहते, यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप ATM में जाके आपको क्या करना होगा, आपके सामने दिख रहा होगा, आप अपना ATM कार्ड ले जाइए। ATM कार्ड स्लॉट में अपना ATM कार्ड डालिए। उसके बाद में मोबाइल बैंकिंग कोष्ठक में BOB वर्ड लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में पिन वेरिफिकेशन नाम का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कर देना है और आपको 4-डिजिट OTP मिल जाएगी। OTP का मतलब एक्टिवेशन की मिल जाएगी। अब यदि ये प्रोसेस तो मैंने दो आपको इसलिए बताई है, यदि आपके पास ATM कार्ड एक्टिव नहीं है। यदि आपके पास ATM कार्ड एक्टिव है तो आप अगली ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा। आपको अकाउंट नंबर डालना है, लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड और वैलिडिटी। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको 4-डिजिट एक्टिवेशन की आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके बाद में क्रिएट लॉगिन पिन, यानी आपको हर बार इस ऐप को लॉगिन करने के लिए 4-डिजिट का पिन डालना होगा, तो वो पिन डाल दीजिए। यहाँ पे आप दो बार डालना है और सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद में लिखा अगली स्क्रीन आएगी क्रिएट ट्रांजैक्शन पिन। ट्रांजैक्शन पिन का मतलब है
आप इस ऐप के अंदर जो भी काम करोगे, जैसे ईमेल आईडी अपडेट करना है, किसी बेनिफिशियरी को जोड़ना है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, डेबिट कार्ड को एक्टिव करना है, डीएफ चालू करना है, लिमिट बढ़ानी है घटानी है, जो भी काम करोगे उसके लिए आपको एक ट्रांजेक्शन पिन चाहिए होगा, तो वो ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब करने के बाद में आपके सामने मैसेज आएगा, ये सब करने के बाद में आपको एक मैसेज शो होगा कि आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सक्सेसफुली एक्टिव हो चुकी है। उसके बाद आप प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर दें और आपका बीओबी वर्ड एप्लीकेशन खुल जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बीओबी वर्ड एप्लीकेशन पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देखिए और अपना बीओबी वर्ड एप्लीकेशन चालू कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज क्वालिटी के साथ यहीं पर मिलती है। जय हिंद, जय भारत।